हम आज रात्रि 7 तारीख को 10 बजे से रात से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी बस हमें पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पूरे फतेहाबाद जिले के जो हम पेरोल और कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी हैं वो तनख्वाह के लिए इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर महीना लास्ट जो था जिसकी हमें तनख्वाह मिली है, उसके बाद आज तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। जिला हड़ताल पर जा रहा है, बाकी सभी जगह जो है तनख्वाह मिल चुकी है। हमें इससे पहले नगरपालिका से तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अक्टूबर महीने के बाद हमें ट्रेजरी विभाग से तनख्वाह मिलने के लिए आदेश जारी हुए विभाग की तरफ से, लेकिन बाकी सभी जिलों में तनख्वाह मिल चुकी है, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है वो नहीं मिली। 31 मार्च तक को जो बजट का प्रावधान होता है जिसके अंदर से हमें तनख्वाह मिलनी थी वो नहीं मिली, और उसके कारण जो 2 करोड़ रुपए यहाँ ट्रेजरी के अंदर जो आया था वो लैप्स हो चुका है और वापस जा चुका है। इसके लिए 2 दिन पहले हमने हमारे जो फायर ऑफिसर हैं भूप सिंह जी, इनको नोटिस दिया था इस बाबत, और फिर भी हमने हड़ताल को टालने की इतनी कोशिश की। कल पूरा फतेहाबाद जिले के प्रतिनिधिमंडल आके अधिकारी से मिला। हम यही चाहते थे कि वो कोई आश्वासन दे और किसी बात का संतोषजनक जवाब दे, लेकिन उन्होंने ना हमसे ढंग से बात करी और ना किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया। मजबूरी बस हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। गेहूं का सीजन देखते हुए हम खुद चाहते हैं कि हम हड़ताल पर ना जाए, लेकिन लोगों को घर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। एक कर्मचारी जिसका 4 महीने से बिजली का बिल पेंडिंग था, उसका परसों बिजली का जो मीटर है वो पाट के ले गए। एक कर्मचारी जिसको बच्चों की 3री और 4थी क्लास का एडमिशन करवाना था, वो एडमिशन नहीं करवा पाया, किताब नहीं खरीद पाया, तो उसकी वजह से उसकी औरत और बीवी बच्चे दो वो छोड़ के उसको चले तक हमारे कर्मचारी पहुंच चुके हैं। अब मजबूरी वर्ष, और मैं सभी फतेहाबाद के जिलावासियों से हाथ जोड़कर ये माफी भी मांगता हूं कि हमारी भी मजबूरी वो समझिए और हम किस कारण हड़ताल पे जा रहे हैं, और आप सभी से अपील है कि ये बात प्रशासन तक पहुंचाई जाए। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हड़ताल पर जाए, लेकिन ये मजबूरी बस हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है।